बारिश के बाद अलीगढ़ के ज्यादातर इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। लोगों को घर से बाहर निकलकर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन हालात में जो लोग घर से बाहर निकले उनमें कुछ की गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी के कारण बीच रास्ते में ही खराब हो गए, जिसके बाद वो उन्हें धक्का मारते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़े। गाड़ियों के पहिए पानी में डूब गए, जिसके बाद लोगों का गुस्सा अलीगढ़ नगर निगम पर फूटा। अलीगढ़ की बहुत हालत खराब है, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। कहीं भी जाएं, हर जगह पानी, गलियों में भी, छोटी छोटी गलियों में, रोड पर, हर जगह पानी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। एक थाने के सामने की सड़क लबालब भरी दिखाई दी। पुलिस वाले जूतों को हाथ में उठाकर पानी से बचते बचाते अंदर तक पहुंचे। थोड़ी देर की बारिश में शहर का हाल बेहाल हो गया। जानकारी मिलने पर अलीगढ़ नगर निगम भी जाग गया। सड़कों पे थोड़ा जल भराव की स्थिति दिखी है। इसमें मॉर्निंग में हम लोगों ने बहुत इंस्पेक्शन भी किया और चीज़ों को कुछ कुछ समझने की कोशिश की। तो प्राथमिकता हमारी आज के दिन तो यही जल भराव से किस तरीके से जल्दी निजात दिलाई जाए लोगों को। उधर फिरोजाबाद में एक घंटे की तेज बारिश के बाद सड़कें लबालब भर गईं। शहर की सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया, जिसके कारण घरों से बाहर निकले लोग मुश्किल में फंस गए। जो वीडियो सामने आया उनमें कुछ छात्राएं घुटनों तक भरे पानी के बीच से गुजरती हुई नजर आईं। सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाराणसी में पानी बरसने से गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया और शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में प्रशासन ने नदी में नाव चलाने पर रोक लगा दी, जिसके बाद भारी संख्या में नाव नदी किनारे खड़ी दिखाई दी। हालांकि नाविकों का रोजगार ठप होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में जहां तक दिखाई दे रहा है हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके में बहने वाली मोहना और करनाली नदियां उफान पर आ चुकी हैं, जिससे हालात इतने बदतर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं और पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के 30 से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरह से घिर चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों का आरोप है कि उनके रहने खाने की व्यवस्था में भी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। बाढ़ बहुत आई है, कम से कम मतलब हमारे सिर से ज्यादा पानी है। कोई प्रशासन की तरफ से आप लोगों को मदद पहुंचाएगी, राहत सामग्री या खाना वगैरह? कोई मदद नहीं, कोई चीज की मदद नहीं। जहां स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी हालात पर नजर रखने का दावा कर रहे हैं। उफनती नदियों की वजह से हजारों एकड़ फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं। बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा नुकसान इलाके में होने वाली धान की फसल को बताया जा रहा है।